जीवन में अगर कम खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा और गम खाएंगे तो मन अच्छा रहेगा। वहां गोंडल में हमारा मंदिर है, वहां दो पेड़ कटने थे क्योंकि एक्सटेंशन था, प्लान था कंस्ट्रक्शन का, तो कोई एनवायरमेंटलिस्ट आ गया, 5000 लोग सभा में बैठे थे, बीच में खड़ा होगा और प्रमुख स्वामी महाराज को गाली के साथ उसने अपमान किया, तो हमारे 2-3 स्वयं सेवक उनको पकड़ने के लिए, मतलब उनको चुप करने के लिए गए और जोर से चिल्लाने लगा। प्रमुख स्वामी ने उनको आगे बुलाया और बोले कि आपको क्या कहना है। अरे आपने ये दो पेड़ काट दिए, ये एनवायरमेंट की दृष्टि से बराबर नहीं है। प्रमुख स्वामी शांति से उनको समझाते थे, 5000 लोग बैठे थे कि देखो हमारी एक्सटेंशन प्लान था इसलिए हमने काटा, वैसे नर्मदा के किनारे गुजरात में हमने 1,00,000 से ज्यादा वृक्ष वहां तैयार किए हैं, अक्षरधाम गांधीनगर में 25,000 से ज्यादा है। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था, दो बार बोल गया फिर वहां से चल निकला। प्रमुख स्वामी ने दो वॉलंटियर्स को कहा कि उनके साथ रहना और जब तक वो बाहर जाए तब तक उनके साथ रहना, क्योंकि वे जानते थे कि शायद कोई शायद उसको मार भी दे। प्रमुख स्वामी ने दोनों वॉलंटियर्स को कहा कि उनको किचन में ले जाओ और भोजन करवा के बाद आप दरवाजे तक उनके साथ जाना। तो ऐसी अपमानित परिस्थिति में भी हमने उनको स्थिर देखा है। तो वे जो बोलते थे वो सही था, अगर गम खाएंगे मतलब बड़ा मन रखेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तो उस वक्त वो शब्द पे ज्यादा मेरा अपमान कर दिया, ये गलत बोल दिया, ये बोलना नहीं था, इस प्रकार की सोच नहीं रखेंगे। बोल दिया, अनजाने में बोल दिया, इन एन इग्नोरेंट स्टेट ऑफ माइंड ही सेड, सो व्हाट, सो ही कुड डाइजेस्ट। और हमारा मन तो कितना निर्बल है, कोई रिसेप्शन में या प्रसंग में जाके फिर वापस घर आते तो चर्चा क्या होती है देख लेना, वो आया था, वो नहीं आया था, वो लेट आया था, वो खाने के वक्त आया था, उसने मेरे सामने देखा लेकिन स्माइल नहीं किया, मुझे उससे मिलने की इच्छा थी लेकिन उसके चेहरे पे एटीट्यूड अच्छा नहीं था, उसने ये पहना था नहीं पहना था। 2 घंटे तक फंक्शन के बाद घर में यही चर्चा होती है सबके घर में, यस और नो, वे आए थे वे नहीं आए थे, उसके लिए आप फंक्शन में गए थे। हाफ ऑफ द टाइम वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, एटीट्यूड्स हमारे बहुत चीप हो गए। तो मन जरा दृढ़ रखना, एक्सेप्ट एंड वेलकम रॉन्ग एटीट्यूड्स एंड इंसल्ट्स इन लाइफ, देख तो लो, चेक तो कर लो आप इमोशनली कितने स्ट्रांग है, इमोशनली आप कितने स्ट्रांग है चेक कब होगा, जब आपका किसी ने अपमान किया, जब आप प्रतिष्ठित हो और पोजीशन पे हो, आप अथॉरिटी हो, फिर भी आपकी मनमानी के विरुद्ध कोई अगर ओपिनियन दे और वो भी मीटिंग में दे और मीटिंग में सब मेंबर्स उनको सपोर्ट करे, वेदर इट इज प्री प्लान और स्पॉन्टेनियस दैट इज ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी, उस वक्त आपकी अंदर की हालत कैसी बनती है वो आपके एटीट्यूड पे निर्भर होगा। इफ माय ओपिनियन वर्क्स आई एम हैप्पी टू वर्क, इफ माय ओपिनियन डज नॉट वर्क समबडी एल्सेस ओपिनियन प्रिवेल्स आई एम मोर हैप्पी टू वर्क, तो ही महान बन पाओगे। स्टीफन कोवी ने यही बात लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा जो सबसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट बुक है। उसके बाद उन्होंने एक और अच्छी बुक लिखी है, द 8th हैबिट, उसका सब टाइटल है फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, असरकारकता से महानता तरफ, उसमें यही बात लिखी है। और वो क्या था, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, अदर्स विल फॉलो। वो व्यक्ति मुझे अनुकूल हो वो बाद में सोचना, पहले कौन सी जगह पे मैं उनको अनुकूल हो सकूं वे पहले आप सोचे। दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन मैनेजमेंट, उपनिषद में ये बात है। ऑल क्रेडिट्स टू स्टीफन कोवी ये विचार के हिसाब से, लेकिन ये विचार हमारे उपनिषद में है।
Don't expect others to change. I am quoting Stephen Covey, not just word to word, but letter to letter. Don't expect others to change. First change yourself to suit others, and then others will follow. तो attitude ये रखना है काम करने कि मुझे सब कोई अनुकूल हो तो देखो मैं कैसा काम कर पाता हूं. वो attitude नहीं है, गलत है. आप अपनी टीम को अनुकूल होके सबके पास अपनी एनर्जीज डेवलप करके टीम वर्क बढ़ा के कैसा काम कर सकते हैं, वही सफलता है. तो दैट कम्स इन एटीट्यूड. डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज, अदरवाइज एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग अदर्स टू चेंज. तो प्रमुख स्वामी ये सिखाते थे कि थोड़ा गम खाना, मतलब बड़ा मन रखना, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना, इंसल्ट्स या डिसरिगार्ड्स हो तो उस वक्त जरा स्थिर रहना, तो आप आगे बढ़ पाएंगे. यू आर नॉट चेक्ड बाय योर परफॉर्मेंसेस, यू आर चेक्ड बाय हाउ यू हैंडल्ड फेलियर्स.